पौड़ी जिले में अंकिता हत्याकांड के बाद अब पुलिस विभाग राजस्व क्षेत्र को अपने अधीन ले रही है ताकि राजस्व क्षेत्रों में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके तहत अब तक पुलिस जिले के 148 गांव को पुलिस ने आपराधिक दृष्टि से अपने अधीन कर लिया है। दरअसल राजस्व क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था होने के कारण जो है वृद्धि हो रही थी, साथ ही राजस्व टीम अपराधियों को पकड़ने का साहस भी कई दफा नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए राजस्व क्षेत्र के मामले लेट लतीफी के बाद पुलिस को ही हस्तांतरित किए जा रहे थे। इस प्रक्रिया के बाद ही अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई रेगुलर पुलिस द्वारा आगे बढ़ाई जा रही थी। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पुलिस थाने पुलिस चौकी खोलने के साथ ही कई राजस्व क्षेत्र के नजदीक थाने से जोड़ा जा रहा है, जिससे राजस्व क्षेत्र पुलिस की निगरानी में रहेंगे तो इन क्षेत्रों में अपराधों की संख्या में कमी आएगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। लगभग हमारे पास 148 गांव ऐसे हैं जिनको हमने अपने थाना क्षेत्र में एरिया एक्सटेंशन के तहत संबंधित थानों में जुड़ गए हैं। वो इसके संबंध में हमारे द्वारा, हमारे थाना प्रभारियों द्वारा विस्तृत कार्रवाई की जा रही है। हल्काबंदी की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई हुई है और जो हल्का प्रभारी हैं उन्हें भी नियुक्त कर दिया गया है। हमारी टीम्स जो हैं उन्होंने इन क्षेत्रों में अपनी विजिट कर ली है, संबंधित जो वहाँ की समस्याएँ हैं उनको भी सुना जा रहा है और उसी हिसाब से आगे की इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।